गोकुलपुर गांव में नायरा अपनी छोटी सी बिटिया और अपनी सास के साथ रहा करती थी। एक दिन नायरा अपनी बेटी अक्षु को समझाती हुई कहती है, देखो अक्षु बेटी, हम लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए हमें अपने खर्चे बहुत सोच समझ कर करने पड़ते हैं। माँ, फिर हम उन पैसों का क्या करेंगे? अक्षु बेटी, वो पैसे तुम्हारी पढ़ाई और जरूरी चीजों में खर्च होंगे, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे फिजूल में पैसे खर्च मत करना। पर माँ, मैं तो फिजूल खर्च तो करती नहीं हूँ, मुझे जो चाहिए होता है वो आप लाके मुझे दे देती हो। इतने में नायरा की सास अक्षरा आ जाती है और बीच में ही बोल पड़ती है, अरे बहू, तू ये क्या बोल रही है? अपने जैसे इसे भी बनाना चाहती है क्या? काम चोर कहीं की, इससे भी काम करने के लिए मना कर रही है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हो? अक्षु अभी बहुत छोटी है। अरे तो मैंने इससे क्या गलत कह दिया? जब से तू इस घर में आई है, घर की लक्ष्मी आने का नाम ही नहीं ले रही है, और ऊपर से मेरे बेटे को और खा गई। मैंने सोचा था अपने बेटे की शादी करूंगी तो घर में लड़का आएगा, लेकिन करम जली ने लड़की पैदा कर दी। माँ जी, आप ये हमेशा लड़का लड़की क्यों करती रहती हैं? माँ जी, लड़कियाँ भी तो भगवान की ही देन है, आप मेरी मासूम सी बच्ची को क्यों ताने मारती रहती हो? अच्छा, अब तो मुझसे जबान चलाने लगी है। मैंने गलत क्या कहा है? अब तो मेरा बेटा रहा नहीं जो तुम्हें मुफ्त की रोटियाँ खिलाएगा। माँ जी, मैंने सोचा है कि मैं एक ढाबा खोल लूँ, उससे हमारे घर का खर्चा चल जाएगा। वो सब मैं नहीं जानती, तुझे जो करना है तू वो कर, लेकिन मुझे हर महीने 2000 रुपए चाहिए, नहीं तो इस घर से चली जाना। ठीक है माँ जी, मैं आपको हर महीने 2000 रुपए कहीं से भी करके दे दूंगी। बेचारी नायरा अपने घर के दरवाजे मायूस बैठी थी, तभी उसका भाई नक्श वहाँ आ जाता है और नायरा से कहता है, अरे बहना, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? भैया, आप कब आए? वो सब छोड़ो, तुम बताओ क्या हुआ है? भैया, आप जानती तो हैं, अक्षु के पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। मैंने ढाबा खोलने की सोची है, लेकिन मुझे कोई जगह नहीं मिल रही है। अरे बहना, बस इतनी सी बात, मेरी जो जमीन है ना, वहाँ जाकर खोल ले। लेकिन भैया, वहाँ तो बहुत ऊंचाई है, वहाँ ग्राहक कैसे आएंगे? बहना, वहाँ सब आ जाएंगे, तू इतना मत सोच और अपना काम शुरू कर दे। अब नायरा बिल्कुल ऐसा ही करती है, नायरा अपना ढाबा खोल लेती है, लेकिन नायरा के पास एक भी ग्राहक नहीं आता था। वैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन नायरा ढाबे पर बहुत कम ग्राहक आते थे। अरे करम जली, तुझे ये ही जगह मिली थी जहाँ कोई भटक भी नहीं रहा है? माँ जी, अभी दिन ही कितने हुए हैं, भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। हाँ, देखती हूँ क्या होता है तेरा। एक दिन अचानक से बहुत तेज सी बारिश होने लगी, जिसकी वजह से लोगों के घर में पानी और भर गया। सब गांव निवासी बहुत परेशान थे, क्योंकि पानी भर जाने के कारण सब लोगों के घर में खाने का सामान खराब हो जाता है। अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था यहाँ इतना स्वादिष्ट खाना मिलता है। अब तो हम सब यहाँ खाना खाने आया करेंगे। अब सारे गांव निवासी नायरा के ढाबे के पास जाते हैं। बहू, ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं तुझसे काम करने की नहीं कहती तो तू कुछ नहीं कर पाती। हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत पसंद करती हैं, लेकिन दिखाती नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जा जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला, और ध्यान रखियो मैं तेरी सास हूँ। अब नायरा अपनी मेहनत से घर की सारी जिम्मेदारी निभाती और सब लोग बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए।